तम समुग्रम करोमि, तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम समेधाम अप्रमत्तेन वेदभ्यं सर्वतन्मयो भवेत् निवर्तन्ते क्रियाः सर्वास्तस्मिन् दृष्टे परावरे। ध्यान बिंदु उपनिषद। आदरणीय बजगोपाल सिंह जी, विशिष्ट अतिथि द्वय प्रोफेसर मान सिंह परिहार जी, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर, प्रोफेसर गौरी दत्त शर्मा कुलपति बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर, कार्यपरिषद के अत्यंत सम्मानीय सदस्यगण, विद्या परिषद के अत्यंत सम्मानित सदस्यगण, योजना मंडल के अत्यंत सम्मानित सदस्यगण, मेरे आचार्य कुल के अत्यंत समादृत सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय राजकुमार सचदेव जी, दीक्षांत समारोह में विभिन्न उपाधियों से विभूषित होने वाले और स्वर्ण पदकों से अलंकृत होने वाले मेधावी यशस्वी छात्र छात्राओं, सम्मानित अभ्यागत नागरिक बंधु, मीडिया से संबंध रखने वाले हमारे साथियों और हमारे व्यक्तिगत रूप से सुपरिचित बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित हैं, जिसमें दो नाम ज़रूर लूँगा। एक आलोक भट्ट का, जिनके मकान में मैं लगभग 4 वर्ष तक रहा, और वीणा पाणी दुबे जी, जो कि बैठी हैं पीछे वनस्पति शास्त्र की सेमनी कॉलेज में पढ़ाती हैं। मैं छत्तीसगढ़ माटी ला प्रणाम करत हूँ। इस मिट्टी से मेरे अत्यंत भावनात्मक और आत्मिक संबंध हैं। जिस मिट्टी में मैंने एडहॉक में 2 महीने के लिए जरहाबाटा के SBR कॉलेज में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया था, उसी मिट्टी में एक शिक्षा जगत की सर्वोच्च संस्था में सर्वोच्च कार्य के लिए दीक्षांत उद्वहन के लिए आमंत्रण प्राप्त होना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, और इसमें इस मिट्टी का ही प्रभाव है। मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, इसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सम्मुख उपस्थित मैडम वाइस चांसलर, मैडम त्रिपाठी, मैडम रजिस्ट्रार और जितनी मातृशक्ति है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले एवं स्वर्ण पदक से घोषित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ और उनकी यशस्वी भावी जीवन की कामना करता हूँ। इस अपेक्षा के साथ वे उपाधि की गरिमा और पदकों की चमक को अपने आचरण से निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ तथा विश्वविद्यालय के कुलपति जी, कार्य परिषद के सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण और योजना मंडल के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज के समारोह के लिए मुझे मुख्य अतिथि के योग्य समझा। यद्यपि मैं अपनी अपूर्णताओं, अक्षमताओं, अल्पज्ञताओं से पूर्ण रूपेण सुविज्ञ हूँ। विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह और उद्बोधनों की भी श्रेष्ठ परंपरा है। तैत्तरीय उपनिषद, जिसके आदेश उपदेशों का माननीय कुलपति जी ने यहाँ पर शुभारंभ में ही वर्णन किया, वो सारे विद्यार्थियों ने उसके प्रति वचनबद्धता भी प्रकट की। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा पूरी होने पर
निम्न दीक्षा देकर गुरुकुल से विदा करता है। सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायन मा प्रमद सत्यान न प्रमितवतव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम भूतै न प्रजितव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। दो वल्लियों में तैतृय उपनिषद में ये उपदेश दिए गए हैं। मैं चाहूँगा विद्यार्थियों से आप स्वयं इसका अनुशीलन करें, प्रेरणा लें, जीवन में होता है। मैंने आज के दीक्षांत उद्बोधन के लिए भारतीय संस्कृति से उद्भूत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय चुना है और वो है कर्म की सूक्ष्मताएं, सटलिटीज ऑफ कर्म। आइए इस विषय के साथ कुछ समय तक चिंतन करें। भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों की स्थापना, विभिन्न विद्वानों के अन्यान्य उद्देश्यों के साथ विभिन्न विषयों पर दिए गए व्याख्यानों में निहित प्रच्छन्न रहस्यों को जो सामान्य दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ते के उद्घाटन हेतु भी की गई है। ये विश्वविद्यालय हमारी उन प्राचीन ऋषि परंपरा के औपचारिक स्वरूप है जिसमें गुरु और शिष्य पास पास बैठकर अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया करते थे। उनके मध्य हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो ज्ञान का संचार हुआ उसी प्रत्यय अवधारणा का नाम है उपनिषद। उपनिषद का तात्पर्य ही होता है निकट निकट बैठना। उपनिषदों की उस श्रेष्ठ परंपरा का पुनर्जीवन करने का कार्य आज के विश्वविद्यालयों का है। बंधु, मैं तो स्वयं को कबीर पंथी मानता हूँ। कबीर ने लिखा है, मसीह कागज छो नहीं, कलम गही नहीं याद। उसी प्रकार मैं भी स्पष्ट स्वीकृति करता हूँ कि मैं दर्शन का कोई औपचारिक विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरे पास दर्शन की कोई उपाधि भी नहीं है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, जो अनुभव करता हूँ, उसी अनुभव के आधार पर जो मुझे जागृति प्राप्त हुई है उसको आधार बनाकर जो मैं व्याख्यान देता हूँ अथवा लिखता हूँ उसमें उस अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति होती है। इसे अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। जब कर्म पर मैंने गंभीरतापूर्वक सोचा तो कर्म की सूक्ष्मताएँ दृष्टिगोचर होने लगी। इसे अंग्रेजी में सटलिटीज ऑफ कर्म ही कह सकते हैं। एक सटल मस्तिष्क में कर्म का सूक्ष्म भाव कार्य करता है। उसको केंद्र में रखकर आइए कुछ मंथन करेंगे और जिस प्रकार समुद्र मंथन से कुछ न कुछ तो प्राप्त हुआ ही था, उसमें लक्ष्मी भी प्राप्त हुई थी, उसमें अमृत भी प्राप्त हुआ था, उसमें विष भी प्राप्त हुआ था। भगवान शंकर ने विष पिया और नीलकंठ बन गए। गहना कर्मवती का उद्घोष श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। यही गहनता ही कर्म की सूक्ष्मता है। भारतवर्ष की संस्कृति कर्म पर आधारित संस्कृति है, लेकिन पाश्चात्य दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों ने आरोप लगाया कि भारतवर्ष की प्रगति इसलिए नहीं हो पा रही है कि भारत की संस्कृति कर्म पर आधारित न होकर आलस्य भाग पर आधारित है। भारतीय संस्कृति अर्थालाभ संतोष पर आधारित है। प्रोफेसर राज कृष्णा जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट की बात की। हिंदू जो बहुत धीमी चाल से चलता है, 1.3% प्रति व्यक्ति आय और लगभग 3-5% वार्षिक राष्ट्रीय आय की ग्रोथ होती है, उस पर उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट कहकर इसका उपहास मनाया। भारतीय संस्कृति में कर्म का महत्व कम है, इसके बारे में भी कई कई कहावतें, कई कई चौपाइयाँ प्रचलन में पाई गई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का टहले सबके दाता राम। हुई है वह जो राम रच राखा, पोकर तरफ बढ़ावे साखा, साई इतना दीजे जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं सागर भूखा जाए। गांठी बंधन वे करें जिनके राम न होए, राम भरोसे जे रहाएं पर्वत पर हरियाएं, इत्यादि इत्यादि। इसे एक तो अनुमान लगता है कि कोई अन्य व्यवस्था साथ साथ कार्य कर रही है, परंतु हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी प्राप्त हो उससे हम संतुष्ट हो जाएं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जो दिखाई पड़ती है वो अर्ध सत्य है। कर्म पर जैसा गंभीर अध्यवसन भारतीय मनुष्यों ने किया, वैसा विश्व के अन्य किसी देश के विद्वानों ने नहीं किया। इसकी मैं यहाँ पर कुछ व्याख्या करता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। सच है कि अजगर किसी व्यापारी के यहाँ
व्यावसायिक प्रतिष्ठान या सरकारी दफ्तर में नौकरी नहीं करता। अजगर के लिए सांस लेना ही उसका कर्म है, उसका काम है। जब वो पूर्ण तन्मयता के साथ सांस लेता है तो उदर पूर्ति के लिए जो उसे आवश्यक उसको प्राप्त हो जाता है। जब सांस लेने मात्र से ही उसकी क्षुधा तृप्त हो जाती है तो उसे अन्य करने की कर्म करने की आवश्यकता नहीं। और पक्षी को कोई कहे वो कर्म नहीं करता, ये मेरी समझ से उसके लिए बहुत अनुचित होगा, उसके साथ अन्याय होगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पक्षी चहचहाने लगता है, अपने व्यवसाय में लग जाता है। वो न केवल अपने भोजन की व्यवस्था करता है अपितु घोंसले में बैठे हुए अपने चूजे के लिए चोंच भर कर के दाना लाता है और उसकी चोंच में दाना डालता है। मैं से कदापि सहमत नहीं हूँ कि पक्षी काम नहीं करते। सबके दाताराम ठीक है, ये हमारा सिद्धांत है दर्शन। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाये, मैं भी भूखा न रहूँ, साधन भूखा जाए की बात है। यदि हम कुटुम्ब को परिभाषित करें तो आधुनिक अवधारणा हम दो हमारे दो का कुटुम्ब कुटुम्ब नहीं है। भारतीय संस्कृति का लक्ष्य वसुधैव कुटुम्बकम है, अयम निजः परो वेति गणना लभते साम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम की बात हमने की है। उस दृष्टि से यदि कुटुम्ब को परिभाषित करें, कुटुम्ब की परिधि निर्धारित करें तो संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार बना लिया जाएगा और ये लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें सारी मानव और मानवीय प्रजातियाँ इसकी सदस्य बन जाती हैं, उनकी क्षुधा शांति का लक्ष्य इसके अंतर आ जाता है। साधु अतिथि जो ब्रह्मांड से आते हों वो भी संतुष्ट होकर के जाएं तो भी ये लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाता है, ये कबीर का लक्ष्य है। गीता के सर्वाधिक चर्चित श्लोक में कहा गया, कर्मण्य वादी का रस्ते मा फलेषु कदाचन। संभवतः विश्व का कोई भी ऐसा श्रेष्ठ मानव नहीं है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, राजनेता हो, साहित्यकार हो, उपन्यासकार हो अथवा वैज्ञानिक, सभी ने इनसे प्रेरणा ली है। गौर बच्चों, जब ग्लास नॉट और पेरेस्ट्रॉइकर के साथ प्रयोग कर रहे थे तब उनसे पूछा गया, आप तो गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने गांधी को नहीं पढ़ा लेकिन गीता पढ़ी है और गीता का बताया हुआ श्लोक कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है मेरा प्रेरणा स्रोत है। ये उस देश के महान नेता की बात है जैसी पूरी ट्रेनिंग साम्यवादी मान्यताओं के अंतर्गत हुई। और बच्चों को सोवियत संघ में खुलापन लाने का श्रेय है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही परमाणु बम का सूत्र दिया था जिसका सर्वप्रथम अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। उसी समय भारतवर्ष के प्रोफेसर एम वी माथुर जो जयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और लक्ष्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जो अमेरिका गए हुए थे, उनको पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ पर है। प्रोफेसर माथुर ने उनसे मिलने का समय दिया और मिलने पहुँचे। उनके मिलने का क्षण अद्भुत था। इधर आइंस्टाइन से उनकी मुलाकात हो रही थी, उधर अमेरिकन साइंटिस्ट एटमिक एनर्जी के साथ प्रयोग कर रहे थे। आइंस्टाइन ने उनसे पूछा कि आप भारतवर्ष से आए हैं, क्या आपने गीता पढ़ी है? गीता आपने अवश्य पढ़ी होगी। उन्होंने कहा, मैंने गीता नहीं पढ़ी। आइंस्टाइन ने तो समाज से कहा, फिर आपको न तो भारतवर्ष में रहने का अधिकार है न ही भारतीय कहलाने का। आइंस्टाइन ने आगे पूछा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? उन्होंने कहा, मैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में रिसर्च करने के लिए आया हूँ, आजकल इसका बहुत महत्व है। इस पर आइंस्टाइन ने कहा कि आप गीता से कोई विषय क्यों नहीं चुन लेते? आइंस्टाइन ने कहा, इस समय गीता मेरे हाथ में है जो मुझे प्रेरणा दे रही है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। मैंने जो एटमिक एनर्जी का फार्मूला दिया है उसे मैं जानता हूँ, पूरे विश्व का विनाश होने वाला है परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। और उन्हीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाद में एंटी न्यूक्लियर सोसाइटी बनाई थी अमेरिका में। तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति कर्म को महत्व देती है, उस कर्म का प्रमुख सूत्र ही है जो मैंने पहले कहा, कर्मण्य वादी का रस। कर्म क्या है? संस्कृत की कृत धातु से उपजा ये शब्द कभी क्रिया बनता है, कभी कर्म, कभी संज्ञा, लेकिन मूल में जो धातु है उसका अभिप्राय है करना और निरंतर करते रहना। कर्म स्वयं में न शुभ होता है न ही अशुभ, कर्म स्वयं में फल देने वाला भी नहीं होता, कर्म स्वयं में एक सूक्ष्म पद होता है, ऐसा भाव जो करने वाले के भाव को लेकर आगे बढ़ जाता है। क्रिया कर्म करणीयता प्रतिक्रिया परिणाम सब कर्ता के भाव से संचालित अभिराम। जिस भाव को लेकर कर्म की निष्पत्ति होती है, कर्म किया जाता है, वो भाव महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण स्वरूप, जब कर्ण दलदल में फंसे हुए हैं, पहिया निकाल रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन
इसका वध करो। अर्जुन कहते महापाप हो जाएगा, ये छात्र धर्म के प्रतिकूल है, ये कर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यदि हम इसका वध करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। हमने निहत्ते पर वार किया है, हमने फंसे हुए वार किया है, ऐसा कहीं किसी धर्म में नहीं लिखा है। भगवान श्री कृष्ण अट्टहास करते हुए कहते हैं तुम धर्म और अधर्म की परिभाषा भूल जाओ, कहाँ था वो धर्म जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम इसका अभी वध करो। और अर्जुन गांडी उठाते हैं, बाण चलाते हैं, कर्ण का वध हो जाता है। जिस भाव को लेकर अर्जुन कर्ण का वध करते हैं वो भाव महत्वपूर्ण है, जिस जो और कृष्ण जिस भाव से आदेश देते हैं वो भाव भी, प्रत्यंचा का खींचना, बाण चढ़ाना और फिर कर्ण का सर धड़ से अलग कर देना बेमानी हो जाता है। हमें इसे समझना चाहिए, कर्म एक ही जैसा होता है लेकिन उसको करने वाला जिस भाव से कर्म करता है उस भाव से ही उसका प्रतिफल अनुकूल अथवा प्रतिकूल, अच्छा या खराब हो जाता है। इसको हम कर्म नहीं मानते। उदाहरण देना चाहूँगा प्रत्यक्ष जीवन में अपनी दिनचर्या से। सबको पता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त को तो आजकल डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रातःकाल की हवा 1 लाख की दवा इतना संदेश आने लगे हैं। लेकिन भारतवर्ष में बहुत पहले ही बता दिया ब्रह्म मुहूर्त में जितनी शांति पर्यावरण में होती है उतनी शांति कहीं नहीं मिलेगी। उदाहरण देता हूँ, रात में कहीं भी रामचरित मानस पाठ और मंद मंद सुनाई पड़ता है और ब्रह्म मुहूर्त वही पाठ बहुत निकट दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे कोलाहल बढ़ता है वैसे वैसे ध्वनि हमसे दूर चलती चली जाती है। न्यूटन ने जब स्पीड ऑफ द साउंड पर काम किया, इन सारी चीज़ों को उसने अपने सिद्धांतों में जोड़ा है। परस्पर ध्वनियों को जोड़ने पर काम करती है वो प्रातःकाल नहीं प्राप्त पाती, लेकिन कितने लोग उठ पाते हैं। कर्म क्या होगा, कर्म बिस्तर पड़े रहना, सोते रहना, खराटे भरते रहना, उठना या फिर सो जाना, ये भी कर्म कहा जा सकता है। लेकिन ये कर्म अधोगामिता को ले जाने वाला कर्म है, ये कर्म तिमिर को ले जाने वाला कर्म है, ये कर्म असत्य की ओर ले जाने वाला कर्म है, ये कर्म मृत्यु को ले जाने वाला कर्म है, ज्योति की ओर ले जाने वाला कर्म, सत्य की ओर ले जाने वाला कर्म, अमरता प्रदान करने वाला कर्म वो है जो कि सचेत होकर थोड़ा प्रयास करके थोड़ा कष्ट झेल करके स्नान ध्यान करना, योग क्रियाओं से कल्याण होगा। जब कर्म की सूक्ष्मताओं की बात कर रहे हैं तो उसमें सहज असहज कर्मों का भाव मन में था, फिर असहज कर्मों के बारे में सोच लेना चाहिए कि क्या हितकारी है और क्या हितकारी नहीं है। हो सकता है कुछ कर्म ऐसे हों जिनको करने में कष्ट हो रहा हो, कष्ट की विवेचना होनी चाहिए, ये कष्ट मन की उपज है या कुछ और। जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए तो कहाँ से प्रेरणा मिले, जब वह पोह की स्थिति हो, जब द्वंद की स्थिति हो, हम करें या क्या न करें, ये सारी संकल्प विकल्प की स्थिति मन की स्थिति होती है। जब मन की स्थिति से उठते हैं बुद्धि की स्थिति में स्थापित होते हैं, तो बुद्धि में स्थापित होने वाले जो कर्म होते हैं उनमें किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं होता। मनोविवेक से संचालित होने पर लगेगा कि अभी रजाई उड़ कर सोते रहे और कहीं से प्रेरणा मिलती है अरे उठ जाए। जब मन को उठाकर बुद्धि की स्थिति को लाते हैं तो किसी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं होते, वे कहते हैं यही सही है यही सत्य है। क्योंकि इसको स्थापित करते हुए बड़े बड़े ऋषि मनुष्यों ने बड़े बड़े विद्वानों ने जिस प्रकार कार्य किया है उनके अनुभव हमारे पास में है शास्त्र प्रमाण और धर्म प्रमाण के रूप में। इसको लेकर आगे बढ़ेंगे कल्याण सुनिश्चित होगा, ये बुद्धि का काम है। लेकिन बुद्धि से ऊपर उठकर एक स्थिति प्रज्ञा की होती है। जब मन से उठकर बुद्धि पर आते हैं, बुद्धि से प्रज्ञा पर आते हैं तो आज नहीं आने वाले वर्षों में क्या करना चाहिए इससे ज्ञान होने लगता है। प्रज्ञावान सदा पूर्वाभासी हो जाता है। जिनकी आंखें नहीं होती और विद्वान होते हैं उन्हें हम प्रज्ञाचक्षु कहते हैं, एक टाइटल प्रज्ञाचक्षु दिया जा चुका है। प्रज्ञा के खुल जाते हैं, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। मन बुद्धि और प्रज्ञा के ऊपर भी एक ऐसी स्थिति होती है जिसे हम आत्मा की स्थिति कहते हैं। और जब आत्मा की स्थिति में अवस्थित हो जाते हैं तब सारे कर्म शिथिल शिथिल होने लगते हैं, अकर्म की स्थिति पहुंच जाते हैं। शांत होकर बैठने के बाद अंतर्गामी होकर स्वयं से पूछें कि क्या हितकारी है, क्या समाज के लिए हितकारी है, क्या राष्ट्र के लिए हितकारी है। आत्मा स्वयं उत्तर देगी। सबके अंदर एक आत्मा बैठी हुई है जो निरंतर कार्य करती रहती है। कई उदाहरण इसके हैं, एक उदाहरण सबके जीवन में आया कि आप रात में सोते समय अपना नाम लेकर के कहें कि सुबह 5 बजे उठना है, एग्जैक्टली 5 बजे आप उठ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया है, कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। सब जब सोते हैं तब भी आत्मा जागती है तो एग्जैक्टली 5 बजे जगा देंगे। बहुत कुछ सामान काम करते हुए खो जाता है, कोई चिट्ठी खो जाती है, रेलवे टिकट खो जाता है, आप भूल जाते हैं कहाँ रखा है, चाय पीने लगते हैं, फिर सहजा आप उठ कर कहीं जाते हैं, पन्ने पलटते हैं
आपको टिकट मिल जाएगा, पुरानी कोई चिट्ठी मिल जाएगी, पुरानी किताब मिल जाएगा, कोई डेटा मिल जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। आप सोचते हैं कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी आत्मा ने सचेत होकर के वो सारी चीज़ें ढूंढी जो आपको पता नहीं था, जो आपका चेतन अवचेतन अचेतन मन भी जो काम नहीं कर पाया वो आत्मा करती है। आत्मा सारी चीज़ें ढूंढ करके आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। ऐसे अनुभव आप सबके जीवन में आए होंगे और उन अनुभवों को लेकर के हमें अपना एक मॉडल बनाना चाहिए। कर्म करना प्रकृति है, पर कर्म इस प्रकार से किए जाएं इसके बारे में सोचना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, स्वयं से प्रेरणाएं लेकर धीरे धीरे फल की चिंता छोड़ें। जब फल की कामना नहीं होती निश्चित रूप से भविष्य में कर्म गति धीमी होगी और एक समय में कर्म भी धीरे धीरे शांत जाता है। ये अकर्म की स्थिति है जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों नहीं होते। अंतिम तथ्य, क्रिया महत्वपूर्ण होती है कि प्रतिक्रिया? सामान्यतः क्रिया महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से बुद्धिजीवियों के लिए। भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सत्य दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। यदि शांत होना है, संतुलन में स्थापित होना है, यदि हमको कुछ श्रेष्ठ कर्म करना है तो प्रारंभ में प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। नमस्कार को नमस्कार, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई उसी अनुपात में प्रतिक्रिया हुई, शांत हो गई। प्रतिक्रिया से ऊर्जा का सृजन होता है, प्रतिक्रिया से विकास होता है, लेकिन उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आजकल हो रही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा है किसी भी एक्शन का रिएक्शन और रिएक्शन का रिएक्शन से जो एक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया, संक्रिया, थीसिस की एंटीथीसिस, एंटीथीसिस एंटीथीसिस बदल आती, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। इस प्रतिक्रिया से तात्पर्य सात्विक रेस्पॉन्स है, सात्विक प्रत्युत्तर है। गीता में एक और शब्द आया है सर्वारंभ परित्याग, जिस प्रकार के जितने भी प्रकार के आरंभ हो सकते हैं उनको छोड़ना। तात्पर्य यह है कि कार्य की जो क्रियाएं हैं, प्रारंभ करने वाली क्रियाएं हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। फिर जो घटित हो उनके साथ तादाद में स्थापित करते हुए जो संस्क्रिया होगी वो सर्वोत्तम क्रिया होगी। जब कर्म की सूक्ष्मताओं में उतरे, प्रत्येक कर्म को पूरे ध्यान से सोचें और गंभीरता से करें, उसकी उपयोगिता, महत्व, आवश्यकता इत्यादि सभी आयामों का समावेश करते हुए यदि हम कर्म करेंगे तो उस कर्म का प्रतिफल निश्चित तौर पर मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम प्रथम कर्म शुभाशुभम, जिस भाव से हम कर्म करते हैं वो भाव महत्वपूर्ण है। सहज कर्म कर्म है, लेकिन उस कर्म से हमको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी, उसके लिए चेष्ट कर्म करने होंगे, उसको ऊर्ध्वगामी गति प्रदान करनी होगी, तादाद में स्थापित करना होगा, उसी से शांति प्राप्त होगी, संतुलन उत्तर होगा। कर्म महत्वपूर्ण है, गति महत्वपूर्ण है, लेकिन गति की दर महत्वपूर्ण नहीं है। सारांश पर, भारतीय संस्कृति संपूर्णता में कर्म प्रधान है, उसकी सूक्ष्मताओं को जानकर जीवन में उतारने से सर्वतोमुखी कल्याण होता है। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, आभार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम्। कुल सचिव महोदय से अनुरोध है कि माननीय कुलपति महोदय से मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने को आमंत्रित करें।